और हमारे साथ मिस्टर संजीव जैन, लिटरेसी इंडिया बोर्ड मेंबर एंड ग्लोबल हेड वर्कफोर्स मैनेजमेंट एंड टैलेंट ट्रांसफॉर्मेशन हमारे साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि लिटरेसी इंडिया को 25 साल हो गए और माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में लगे हुए। वो एक मदद का हाथ जो उनको उनकी ज़िंदगी में जीवन में सफल बनाता है। सर, आपसे एक सवाल जानना चाह रहा था कि लिटरेसी इंडिया के विभिन्न प्रोजेक्ट्स से उनके प्रोजेक्ट्स में डोनर ऑर्गेनाइजेशन और कॉरपोरेट कैसे अपने योगदान से भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस लिटरेसी इंडिया के साथ दोनों तरह से रहा है, डोनर की तरह और एम्प्लॉय वॉलंटियर की तरह। तो जब मैं डोनर की तरह एंगेज था लिटरेसी इंडिया के साथ, मुझे इतना अच्छा लगता था कि ये एकदम ग्राउंड रियलिटी में काम होता है और डायरेक्ट बेनिफिशियरीज के साथ काम होता है, एकदम इम्पैक्ट आपके सामने नजर आता है। और सबसे बड़ी बात, जो इम्पैक्ट होता है वो एजुकेशन में और वुमेन एम्पावरमेंट में होता है। मेरे ख्याल से ये दो चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल हर किसी को आत्मनिर्भर बना देती हैं। और जब मैं वॉलंटियरिंग की तरह काम करता था तो इसको आप समझिए कि जैसे श्रमदान हो गया। कि देखिए, टाइम जो होता है लाइफ में वो आप किसी को देते हैं, वो कभी वापस नहीं आता है, समय कभी वापस नहीं आता है। तो इसीलिए जो हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं लिटरेसी इंडिया के साथ, उनके बेनिफिशियरीज के साथ, वो सबसे अच्छा गिफ्ट होता है और उसमें हमको सीखने को काफी मिलता है, क्योंकि हमें उसमें एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे मिलते हैं, उसमें हमारी काफी लर्निंग होती है। जितने कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को ऑफिस में सुविधा होती है, उतनी ज्यादा सुविधा होती नहीं है। तो उसमें यू हैव टू डू मोर विद लेस इन लिटरेसी इंडिया प्रोजेक्ट्स, उसमें आपकी लीडरशिप डेवलपमेंट काफी होती है। और फाइनली मैं ये कहूंगा कि ये सब जो एसोसिएट होते हैं हम लिटरेसी इंडिया के साथ एज ए डोनर और एज एन एम्प्लॉय, इट इज नॉट अबाउट गिविंग बैक, इट इज ऑल अबाउट पेइंग फॉरवर्ड। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इनफैक्ट आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि हम जो वक्त देते हैं ना, उस वक्त की अहमियत है। और वाकई में यकीन मानिए, मेरा भी यही मानना है और यही चीज बहुत अच्छी लगती है कि आप किसी को अगर कोई वक्त दे रहे हैं या कोई आपको वक्त दे रहा है, तो उससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।